तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ब्रेन से जो अलग अलग सिग्नल्स आ रहे हैं वो यहाँ पे दिखाए जा रहे हैं। तो ये मशीन जो है EEG बोलते हैं इसको, ये 50 लैक्स का मशीन होता है और ये साइंटिफिक रिसर्च हो रहा है। हमारे कुछ साइंटिस्ट इस पे रिसर्च कर रहे हैं कि कैसे जब कोई चैंटिंग करता है हरे कृष्ण महामंत्र का, तो उस जप के कारण, चैंटिंग के कारण ब्रेन पे क्या इफेक्ट होता है, तो कैसे जो माइंड और जो ब्रेन वो जो वेव्स होते हैं वो पीसफुल, एक डेल्टा वेव्स, अल्फा वेव्स जो होते हैं मेडिटेशन को जो वेव्स है वो दिखाई देने लगते हैं जब कोई चैंटिंग करता है। तो ये चैंटिंग का इफेक्ट जो साइंटिफिक स्टडी हो रहा है अभी आजकल, तो हमारे एक साइंटिस्ट है जिनका नाम है डेविड उल्फ, उन्होंने ऑलरेडी रिसर्च किया, PhD किया है कि चैंटिंग का इफेक्ट क्या होता है हमारे माइंड पे। तो उन्होंने साइंटिफिकली प्रूव किया है कि जब कोई चैंटिंग करता है हरे कृष्ण महामंत्र का तो उससे मन शांत होता है, व्यक्ति पीसफुल हो जाता है, वो एंग्जाइटी से फ्री हो जाता है, डिप्रेशन से बाहर आ जाता है। तो साइंटिफिकली अभी ये प्रूव हो रहा है, साइंटिस्ट्स के सर्कल में अभी साइंटिस्ट एक्सेप्ट करने लगे कि हरे कृष्ण मंत्र सच में कुछ पावरफुल चीज़ है। अगर आप कोई भी दूसरा कोई भी वर्ड गाएंगे तो उसे इफेक्ट नहीं होगा, सिर्फ हरे कृष्ण महामंत्र से ही ये इफेक्ट होता है। थैंक यू वेरी मच।